भारत द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक करने के बाद ये खबर आई कि आतंकी संगठन जैश के मुखिया मसूद अजहर की तबीयत खराब हो गई है, जिसे रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद रविवार को ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली कि मसूद की मौत हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इसे खारिज कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी अटकलें जीरो पर हैं कि मसूद अजहर भारत के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक में बुरी तरह से घायल हो गया था कि आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। हालांकि इसको लेकर अभी किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच एक खबर ऐसी भी आ रही है जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर के होश उड़ा देगी। खबर यह है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ तनाव कम करने की कोशिश में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने रविवार को बताया कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवादियों की सूची में अजहर को शामिल करने के प्रस्ताव पर अपने विरोध को वापस ले सकता है। सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, सरकार ने सैद्धांतिक रूप से जैश सरगना मसूद अजहर पर कार्रवाई करने का निर्णय किया है। जैश ए मोहम्मद के खिलाफ देश में कार्रवाई जल्द ही किसी भी समय हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिशों में इमरान खान सरकार ने जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई है। भारतीय पायलट को उसके देश भेजने के बाद तनाव कम करने की कोशिश में इमरान खान सरकार का यह अन्य महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इस खबर पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान सरकार की ओर से नहीं की गई है। एक सवाल के जवाब में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये उसे नजरबंद किया जाएगा या फिर हिरासत में लिया जाएगा, तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में अगर जैश का सरगना आतंकी मसूद अजहर बीमारी से नहीं मरता तो उसके लिए मुश्किलें कम नहीं होने वाली, क्योंकि आतंकी मसूद को लेकर पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव है। भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इसराइल, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी पाकिस्तान पर इस आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। ऐसे में दबाव यही है कि सही में पाकिस्तान आतंकी मसूद पर कार्रवाई तो करनी ही होगी, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड आतंकी अब भी पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।